बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर हैं। अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है लाहौर में अपना पहला प्रैक्टिस सेशन किया, जहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज पिंडी में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, उस हवाले से पाकिस्तानी जो दो हिस्सों में प्रैक्टिस होती हुई आज दिखाई दी। तो इसी सूरतहाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। इनसे बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जो पिंडी में खेला जाना है उसी हवाले से। जैसा क्या कहेंगे, आज कैंप का पहला दिन है, कैसा देख रहे हैं टीम को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में? शहजादा भाई, जो पाकिस्तान बोर्ड ने क्रिकेट टीम अनाउंस की है, तकरीबन बैलेंस टीम है। और आज से प्रैक्टिस का जो है उन्होंने सेशन शुरू किया, 6-6 घंटे का दो सेशन में ट्रेनिंग करेंगे। और आपको जैसे पता है कि इंग्लैंड की टीम जो है दुबई में है, वो भी ट्रेनिंग कर रही है, वो तो उसमें मतलब 3 रोज़ा मैचेस चल रहे हैं उनके। और उनमें अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है, पाकिस्तान ने जो मतलब ट्रेनिंग शुरू की, ये वेदर चेंज हो गया, ठंडे मौसम में ट्रेनिंग शुरू की है। और पहला मैच ही आपको पता है कि पिंडी में, पहला टेस्ट पिंडी में है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मगर टाइमली जो है ना ट्रेनिंग सेशन शुरू किया है, क्योंकि इंग्लैंड तो बिल्कुल मैच प्रैक्टिस कर रही है। आज दुबई से भी खबर आई है कि उन्होंने मकसद जो इंग्लैंड की टीम है इन पिचेस पे, जैसे दुबई में पिचेस, उनके बॉलर कोई ख़ास कारकर्दगी प्रैक्टिस मैच में भी नहीं दिखा सके। वहाँ भी उनके साइड जो है सामने वाली साइड ने 412 रन बना दिए हैं और तकरीबन 3 या 4 आउट हुए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को चाहिए कि अपने जो बॉलर हैं उन पे मेहनत करे, उनको मकसद जो है ट्रेनिंग सेशन छोटे छोटे सेशन करवाए उनसे। और बॉलरों को, जैसे कि शाहीन आफरीदी अनफिट हो गया है और ये मौसम ऐसा, इस मौसम में अक्सर फास्ट बॉलर को इंजरीज का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये चाहूँगा कि मकसद जो ट्रेनर है, जो हमारा स्टाफ है टीम का, वो कम अज़ कम फास्ट बॉलर्स को जो तरीके से हैंडल करें और उन्हें तैयारी करें। अच्छा जैद साहब, इस टीम के अंदर हम देखते हैं कि नीक उमिन पे मोहम्मद अली को टीम में शामिल किया गया, गो के माहिरीन यही कहते हैं कि बड़ा अच्छा साइन है मोहम्मद अली का, क्योंकि डोमेस्टिक सीजन में बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते रहे हैं मोहम्मद अली। तो क्या समझते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच खेला जाना है पिंडी में, उस पर जो है ये 11 लोग स्क्वाड का हिस्सा होते हुए नज़र आ रहे हैं मोहम्मद अली? नहीं शहजादे भाई, ये पाकिस्तान की तारीख या बदकिस्मती कह रहे हैं। जो भी नया लड़का जो है मकसद आता है टीमें, कईयों को देखे बाहर भी लेकर जाते हैं, सिर्फ टूर करवा के बेंच पे बिठाकर वापस ले आते हैं। मैं नहीं समझता, जाहिर है मेरा इतनी उम्र हो गई, इतना तजिया मैं कर चुका हूँ कि मैं नहीं समझता कि उसको पहले टेस्ट में खिलाएंगे, जबकि मेरी ख्वाहिश है कि उसे पहला टेस्ट दें। लेकिन जाहिर साहब, जो पिंडी की विकेट है वो फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा सूट करती है, लेकिन पाकिस्तान के पास नसीम शाह बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी पिछले दिनों अनफिट थे तो उनका भरपूर तौर पर जो सपोर्ट के तौर पर जो काम करते दिखाई दिए थे नसीम शाह। लेकिन अब देखते हैं कि मोहम्मद अली के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है कि कम अज़ कम अगर उनको जो बॉलिंग के स्पेल पर लाया जाएगा तो कम अज़ कम 4 ओवर 5 ओवर के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में अगर हम देखें तो वो 8 से 10 ओवर कंटिन्यू करते थे और 6 मैचेज में जो है अभी लास्ट जो डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं उसमें 24 विकेट्स हैं मोहम्मद अली के। शहजादे भाई, मोहम्मद अली की मैं आप कह रहे हैं ना ये 6 या 8, आप उससे 20 ओवर भी करवा सकते हैं, वो 20 ओवर भी करवाता है ट्रेनिंग सेशन जो करता है। ये जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं 10-10, 15-15 ओवर जो कंटिन्यू। लेकिन हारिस सरूप अगर टीम में शामिल होते हैं, क्या वो 4 ओवर से ज़्यादा ओवर करते हुए नजर आएंगे टेस्ट मैचेस के अंदर? ये बोर्ड का और हारिस सरूप का इम्तिहान है कि उसे टेस्ट कैप दे रहे हैं 4। अब देखें T20 फॉर्मेट में देख लें, उसका पहला ओवर अगर वो अच्छा चल गया तो चल गया, नहीं तो उसके बाद मकसद दूसरे ओवर में रिदम पकड़ता है और उसके बाद वो अपनी वराइटियाँ कराता है। टेस्ट मैच बिल्कुल अलग क्रिकेट है, वाइट बॉल क्रिकेट अलग है, वो रेड बॉल क्रिकेट है, उसे उसका तजर्बा नहीं है। लेकिन जाहिर है शाहीन अनफिट है तो टेस्ट कैप तो नज़र आ रही है कि हारिस को मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो चीज़ें टेस्ट क्रिकेट रिक्वायरमेंट हैं वो हारिस के पास वो अभी वो चीज़ें नहीं हैं अभी आप उसे। लेकिन एक एडवांटेज अगर टेस्ट कैप मिलती है हारिस को शाम के टाइम पे, हम देखते हैं पिंडी में वेदर थोड़ा सा चेंज होगा तो सूट करता हुआ तो ज़रूर दिखाई देगा नसीम शाह और हारिस रोक को। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, सूट करता है, क्योंकि शुरू का जो सुबह का पहले 2 घंटे हैं, कम अज़ कम 1.5 घंटा आपको बिल्कुल बड़ी बड़ी स्विंग्स मिलेंगे वहाँ। और फिर जैसे ही असर के बाद जो यानी कि टी टाइम के बाद जो आखिरी सेशन शुरू होगा, उसके बाद फास्ट बॉलर को पिच जो है मदद देना शुरू करती है और आउटस्टैंडिंग अगर बॉलर को कंट्रोल हासिल है तो वो बहुत ज़्यादा स्विंग करती है बॉल। लेकिन हमारे स्क्वाड के अंदर 4 स्पिनर्स हैं,
तो समझ रहे हैं कि मोहम्मद नवाज का भी चांस बनता हुआ दिखाई दे रहा है 11 रुकनी स्क्वाड में। हाँ बिल्कुल, नवाज को असल में ना बैटिंग का एडवांटेज हासिल है, इस वजह से नवाज का चांस बनेगा क्योंकि वो कंटिन्यू मैच खेलता है क्रिकेट, मकसद उसका एक फॉर्मेट में खेलता है T20 में, टीम के साथ कंटिन्यू काफ़ी अरसे से खेल रहा है और यकीनन उसे जो है पहले टेस्ट में स्पिनर मगर शादाब और ये दोनों ही होंगे, और अबरार जैसे पहले उसका गरीब का नाम आया और बेंच पर ही बैठा रहा है, अभी भी नाम आया, अल्लाह करे और हमारी ख्वाहिश है कि उसे टेस्ट कैप दें, उसे खिलाएं, बहुत टैलेंटेड लड़का है, बहुत लंबा पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करेगा और हमारी ख्वाहिश भी कि उसे जल्द अज जल्द जो है टेस्ट कैप दी जाए, जल्द से जल्द टेस्ट कैप मिलने के भी इम्कान हैं इब्रार के, क्योंकि डोमेस्टिक में भी बड़ी अच्छी परफॉर्म करते हुए इब्रार नजर आए हैं। अगर थोड़ी सी ओपनर्स की बात कर लें तो अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा है, इसके साथ इमामुल हक ओपन करते हुए नजर आएंगे टेस्ट मैच के अंदर, गो के इमामुल हक ने जो है पिछले जो सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसमें कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखाई, एक सेंचुरी जरूर स्कोर की उन्होंने, लेकिन इस बेस पर हम देखते हैं मिडल ऑर्डर पर हम बात कर लें थोड़ी सी, तो फवाद आलम को भी हम ड्रॉप कर दिया हमने, ये बहुत बड़ी ज्यादती है फवाद आलम के साथ। आप देखें बाहर जितने भी टूअर्स हैं जब भी मुश्किल मरहला आया है उसने आपको बैटिंग करके दी है, पिछला एक सीज़न जो इंग्लैंड के खिलाफ उसका अच्छा नहीं गुजरा, ऑस्ट्रेलिया खिलाफ भी, सॉरी ऑस्ट्रेलिया खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पाया है, बाहर हमेशा उसने आपको रन करके दिए, अब ऐसा नहीं उसके साथ ज्यादती हुई है, फवाद आलम नहीं है फिर वही मिडल ऑर्डर पर सवालिया निशान है। आपको पता है फवाद आलम अगर 50 रन भी करता है और वो कैलकुलेशन करता है टाइम और बॉल, बॉल और टाइम का असल टेस्ट मैच जो है ये मार धाड़ का गेम नहीं है, ये किताबी क्रिकेट जो होती है वो टेस्ट क्रिकेट में होती है, आपने टाइम को भी साथ लेकर चलना है, स्कोर बोर्ड को भी साथ लेकर चलना है, अपना भी स्कोर करना है, पाकिस्तान का भी स्कोर बनाना है, तो ये मुख्तलिफ क्रिकेट, लेकिन जैसे ये मॉडर्न क्रिकेट अब होती जा रही है टेस्ट मैच में भी हम देखते हैं कि 3 दिन के अंदर फैसले हो जाते हैं, तो पाकिस्तान में हम देखते हैं 5-5 दिन डेड विकेट बनने के बाद फैसले होते हुए भी नज़र नहीं आते, तो पिंडी की विकेट थोड़ी सी चेंज नज़र ज़रूर आती है, उस पर ग्रास मौजूद है, तो समझते हैं कि वहाँ फैसले होने के इम्कान हैं। शहजादे पिंडी की विकेट जो है हमेशा आपको रिजल्ट देती है, वहाँ ग्रीन विकेट है, आप देखें जैसे पहला दिन होगा पहला हाफ जब होगा आपको विकेट नज़र आएगी बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रही होगी, और जिसने पहले उधर बॉलिंग कर ली वो चढ़ दौड़ेगा सामने वाली टीम पर, वो क्लैप्स कर देगा बैटिंग को, पिंडी की जो विकेट है वो हमेशा से बॉलर्स को मदद देती है, ये पहले जो स्पेल होंगे पहले घंटे के जो स्पेल होंगे उसी में ही वो टीम को ना चढ़ दौड़ते हैं, और आपका मिडल ऑर्डर ऐसा है अगर आपके ओपनर नंबर 2 या 3 तक आउट हो गए तो मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा नज़र नहीं आ रही जान नज़र आई, हाँ अगर सरफराज इन करते हैं, सरफराज को इन करते हैं, लगता है आपको कि सरफराज खेलेंगे, बिल्कुल सरफराज को खिलाएंगे, खेलेंगे नहीं खिलाएंगे, चले अब इन्हें पता है ना मिडल ऑर्डर का हाल पता है, और सरफराज आपको पता है डोमेस्टिक में कंटिन्यू परफॉर्म करता आ रहा है, कोई वजह नहीं बन रही थी उसे टीम में ना लें, और अगर लिया है उसको खिलाने के लिए ही लिए, और हमारी दुआएं कि इंशाल्लाह सरफराज जो है बहुत जल्द आप देखेंगे कि पाकिस्तान टीम के साथ इन होकर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे, बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। अब थोड़ी सी बात है हम कर लें ऑलराउंडर्स के हवाले से, कि इस टीम के अंदर बॉलिंग ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग में हमने 2 रखे हैं, फहीम अशरफ के साथ साथ वसीम जूनियर भी टीम का हिस्सा है, तो दोनों ऑलराउंडर को कैसा देख रहे हैं, उनकी जगह बनती हुई इस टेस्ट मैच में नज़र आ रही कोई गो के एक ऑलराउंडर की? देखें एक ऑलराउंडर की तो जगह है, और देखें वसीम अकरम को आप ये सब ने घसीट दिया है जी ऑलराउंडर ऑलराउंडर, ऐसा नहीं है ऑलराउंडर, देखिए वाइड बॉल की क्रिकेट में कोई भी 10वें नंबर का 11वें नंबर का प्लेयर, वसीम जूनियर को आप समझते हैं कि रेड बॉल का जो है ऑलराउंडर? नहीं, वो रेड बॉल का ऑलराउंडर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फहीम अशरफ आपको मकसद काफ़ी दफ़ा उसने अपने आप को प्रूव किया है कि मैं ऑलराउंडर हूँ बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, फहीम अशरफ का चांस बनता है, वसीम जूनियर एज ए बॉलर खेल सकता है, ऑलराउंडर कम अज कम मेरी राय में वो ऑलराउंडर नहीं है रेड बॉल का, व्हाइट बॉल का तो आपको पता है किसी को ही भेज दें, आरिस रऊफ भी आखिरी में छक्के मार देता है, नसीम शाह भी छक्के मार देता, आप इन्हें भी ऑलराउंडर लिखना शुरू कर दें ऑलराउंडर, रेड बॉल बड़ी मुश्किल क्रिकेट है, उसमें ये जहन और टाइम और ये टीम की रिक्वायरमेंट स्कोर बोर्ड अच्छा, रिक्वायरमेंट की आपने बात की जावेद भाई, तो जिस तरह हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वो रिक्वायरमेंट को बड़ा आसानी से जब साफी उनसे सवाल कहते हैं टीम सिलेक्शन के बाद, तो वो कहते हैं कि जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ हम उसे ज़रूर चांस दे रहे हैं, गो के पिछले जो टीम के साथ मुस्तकिल हैं हम उन्हें भी लेकर चल रहे हैं, तो जो टीम के साथ नज़र आ रहे हैं वो तो शाहिन शाह आफरीदी थे, जो टीम के साथ अगर अनफिट हुए तो बाहर चले गए, और उसके बाद शाहनवाज धानी बेंच स्टैंड पर बैठे हुए नज़र आए थे, गो को उनकी जगह बनती दिखाई दे रही थी, मोहम्मद हसनैन की जगह बनती दिखाई, लेकिन ये चीजें हुई नहीं।
ये होती नहीं शहजादे भाई, हमें अरसा हो गया देखते हुए। अभी हाल ही में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जो खेल कर आया है, आपका मिडल ऑर्डर बुरी तरह फ्लॉप हुआ। आप पूरा पाकिस्तान कह रहे थे कप्तान, बिल्कुल बाबर आजम को कप्तानी नहीं आती, ये पाकिस्तान पहुंचेंगे, पोस्टमार्टम होगा, ये होगा। इसी विनेस के ही मकसद प्लेटफॉर्म से मैंने आपको कहा था कि कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान आएंगे ये सब भूल भाल जाएंगे, नए सिरे से वही कप्तान होगा, वही प्लेयर्स होंगे, और इसी तरीके से ये चलता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मजबूरी उसने करनी, जब टीम उसे अनाउंस कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसने करनी है। लास्ट टाइम भी आप देखें, कोई नया प्लेयर बताएं जिसको टेस्ट कैप मिली हो, आप एक बता दें कि जिसको टेस्ट कैप दी हो। अनाउंस करने में क्या, अनाउंस करने में तो सब खुश हो जाते हैं कि मेरा नाम आ गया। नाम आने में कुछ नहीं भाई, वो डोमेस्टिक में अगर आप परफॉर्म कर कर आया, आपने उसे सेलेक्ट किया, तो प्लीज उसको चांस भी दें, वो नजर भी आए। बिल्कुल नजर भी आए जावेद भाई, लेकिन हम इस टीम के अंदर कप्तानी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो चलें बाबर आजम कप्तानी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं टेस्ट मैच में भी, वनडे में भी, टी ट्वेंटी में भी, लेकिन हमें कोई ऐसा वाइस कप्तान ग्रूम नहीं किया। टी ट्वेंटी में तो चले हम शादाब को देख रहे हैं आगे फ्यूचर में, लेकिन ना टेस्ट मैच में ना वनडे में, तो समझते हैं कि टेस्ट मैच में भी हमें किसी या नौजवान प्लेयर्स को बाबर आजम के साथ ग्रूम करना चाहिए कप्तानी के हवाले से। इस सिलसिले में तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान बहुत ही बड़ा बदकिस्मती हमारी ये है कि आज तक आप कह रहे हैं कि वो टी20 में शादाब नजर आ रहा है नायक कप्तानी के लिए, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि वो नजर आ रहा है। आपकी राय मुख्तलिफ, मेरी राय मुख्तलिफ, ना टी20 में वाइस कैप्टन कोई नजर आ रहा है ना टेस्ट मैच में। अब ये टेस्ट मैच में देखिएगा, ये ऐलान कर देंगे जी वाइस कैप्टन जो है रिजवान है, रिजवान को अनाउंस कर देंगे कि वो है वाइस कैप्टन। ये कोई ग्रूम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ सिर्फ हादसाती तौर पर आते हैं, कप्तान बना दिया हादसाती तौर पे, नायब कप्तान हादसाती तौर पे, ऐसा होता है वो टीम में दो साल से है नहीं, एकदम आया और अगले हफ्ते आप देखेंगे वो कैप्टन बन गया। हमारे यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि थ्रू प्रॉपर चैनल बनाया जाए, ना किसी को ग्रूम करते हैं। बाहर कंट्रीज में यही होता है, इंडिया देख लें, वो नायब कप्तान जो उसको ग्रूम कर रहे हैं, देखे उनकी ये वाइट बॉल की क्रिकेट है, उन्होंने फौरन शर्मा को हटाया, पांड्या को कैप्टनसी दे दी, वो ग्रूम कर रहे थे, वो तैयार कर रहे, हम तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि शादाब को देख लें वाइट बॉल में अभी भी वो फिट नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि शादाब खान फिट नहीं है, अभी टेस्ट मैच भी देखें, हो सकता है खिला देंगे, लेकिन शादाब का नाम नहीं है टेस्ट मैचेस में, सॉरी उसका तो नाम ही नहीं, देखिए वो फिट नहीं था इसीलिए नहीं है, नहीं तो वाइस कैप्टन अगर वो वाइट बॉल का है तो रेड बॉल में कहीं ना कहीं टीम में खड़ा नजर आता, तो इसलिए उसका नाम नहीं। और अभी भी देखें ना, ये हमारी बदकिस्मती किसी यंग लड़के को जो है अभी से ग्रूम करना शुरू कर दे। जायद साहब कह रहे हैं कि अभी से हमें वाइस कप्तान के लिए किसी नौजवान बैटर्स या बॉलर्स को जो है ग्रूम करते हुए नजर आना चाहिए, और ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि लास्ट टाइम मोमेंट पर जो है पाकिस्तानी टीम के कोई हादसाती तौर पर आता है टीम में और टीम का कप्तान बनते हुए दिखाई देता है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी वाइस कप्तानी के हवाले से, तो मजीद बात करते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, वाइस कप्तानी की आप बात कर रहे हैं, तो ग्रूम नौजवान क्रिकेटर्स को कैसे करें, हम अंडर 19 के जो कप्तान है अगर हम बात कर लें, साद बेग की बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया, लेकिन उनके साथ अगर देखें तो बासित अली बड़ा नुमाया बैट्समैन नजर आया है, समझते हैं कि उसको भी अब पाकिस्तानी कम अज कम ग्रूम करने में रिजर्व प्लेयर में रख लेते, अगर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हो रहा था तो वो ज़्यादा बेहतर नजर नहीं आया आपको? देखें ग्रूम करने की, देखें सबसे बड़ी एक मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ शाहनवाज धानी की, उसे इन्होंने इतना ग्रूम किया, इतना ग्रूम किया है कि वो सिर्फ ग्रूम ही हो रहा आज तक, उसको ना हसनैन को उन्होंने कोई चांस नहीं दिया। देखिए ये एक पॉलिसी होती, मतलब हर किसी के कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हमने इस प्लेयर को ऐसे जाके बड़ा प्लेयर बनाना है और उसको कैप्टनशिप देनी है। अब देखे साद बेग को आपने कैप्टनशिप दी, पाकिस्तान शाहीन की सऊद शकील कप्तानी करते हुए नजर आए, सऊद शकील कप्तानी करते हुए यंग जनरेशन, नया खून, टैलेंटेड प्लेयर्स, इनको राय, इनको एक माइंडसेट बना दे कि आपने इस स्टेज तक जाना है, इनको बिल्कुल वो बाबर आजम ना बना दें कि भाई जो भी है मैं ही हूँ, या शाहीन अफरीदी बन जाए, नहीं मैं हूँ, ऐसे नहीं है। आप शाहीन अफरीदी फिट भी नहीं था, आप उसको साथ ले गए टूर पे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सबसे बड़ी नाहली मेरे ख्याल में नजर आई है, सबसे बड़ी नाहली, आप फिट भी नहीं, आप उसको टूर पे लेके और खराब कर दिया उसको।
इससे मकसद लाख आप इख्तलाफ करें, लेकिन पाकिस्तानी सिलेक्टर तो ये कहते नजर आए और दिफा भी करते हुए नजर आए कि वो जो आखिरी मैच खेल रहे थे वो बॉलिंग में इंजरी नहीं हुई उनको, वो फील्ड करते हुए जो है उनके मसल खींचे। पूरी दुनिया देख रही थी यार, अब वो टाइम नहीं है, सोशल मीडिया का टाइम है। वो जैसे ही उसने कैच पकड़ा था, जब उसका हाथ गया जिस जगह पर, सेम वही जगह थी जहां उसको इंजरी हुई, जिसकी सर्जरी हुई, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हुआ इंग्लैंड में करवा कर, सब कुछ वो थी। अभी कहने को तो ये ऐसी चीजें हैं, लेकिन बात हो रही थी नायब कप्तान ग्रूम करने की। देखिए नायब कप्तान साउथ शकील है आपके पास, उसको ग्रूम करना शुरू करें। साथ बेग अंडर 19 से ले, बासित अली लड़का बैट्समैन है, उनको लेकर आए, इनको एक शोभा मतलब एक कोच के हवाले कर दे जिन्होंने नायब कप्तान बनना है। जैसे भी तमाम दो तीन प्लेयर्स की आपने नौजवान की बात की, हम इसमें कासिम अकरम को भूलते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा जीनियस ऑलराउंडर निकल कर आया, बिल्कुल नेमुल बदन था मोहम्मद हफीज का, उस स्टाइल से बॉल भी करता हुआ। लोग माहरीन ये कह रहे थे कि बहुत जल्दी वो टीम में शामिल हो जाएगा पाकिस्तानी टीम में, लेकिन वो अंडर 19 की हद तक रहा और उसके बाद वो फिर कहाँ गायब हुआ ये नजर नहीं आ रहा। अब वो आपको PSL में नजर आएगा सिर्फ। देखें आप मकसद पूरी पाकिस्तानी मकसद जो क्रिकेट के फैंस हैं वो कह रहे थे अन करीब ये लड़का आ गया, मकसद वो दस्तक दे रहा था कौमी टीम पे, लेकिन एकदम देखे उसे लाए, उसे आपने अंडर 19 का कप्तान बना दिया, आपने उसको अच्छे अच्छे मैचेस दे दिए, नज़र आ गया डोमेस्टिक में, नज़र आया लीग में, नज़र आया। अब पता नहीं एकदम कहाँ चला जाता है, कहाँ चले जाते हैं लड़के, समझ में नहीं आ रहे लड़के कहाँ चले आया कि क्या वो पाकिस्तान, मकसद वो देखते हैं कि हमारे टैलेंट की जो है यह कदर नहीं की जा रही। छोटी सी मिसाल आपको पता, कई क्रिकेटर जो है मीर हमजा की मिसाल सामने, हाँ, कोई अमेरिका चला गया, कोई कहीं चला गया, चले तो मकसद जब टाइम है उनका, पीक टाइम है, आप उन्हें चांस नहीं दे रहे। देखिए वो कह रहे हैं जी जगह नहीं भर रही, आपको पता शादाब खान है टीम में, उसकी जगह कहाँ, कासिम अकरम कल का बच्चा है। ये पूरी एक मतलब ग्रुप बंदी होती है, ये स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं। कब तक चलती रहेगी जावेद साहब? सिलेक्टर का मियार शायद ऐसे ही रहे, खासकर डोमेस्टिक को वो कहते हैं कि हम फोकस बहुत ज्यादा करते हैं, डोमेस्टिक से प्लेयर जो परफॉर्म करता है वो टीम में शामिल नहीं होता, PSL जब शुरू होती है उसमें कोई लड़का परफॉर्म करे वो टीम का हिस्सा बन जाता है। देखे ना वही ना, सिर्फ पैसे की मार है। देखिये जो PSL खेल रहा है, आपको पता कितना बड़ा प्रोडक्ट है हमारा पाकिस्तान का PSL, वहाँ अगर पे परफॉर्म करता है वो सबको नजर आता है, और फिर आपको पता पीछे पैसा लगा होता है, अगले जो PSL वाले हैं पैसा लगा कर बैठे, और फिर वो पसंद ना पसंद वो कहते हैं हमारा प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, हम इतना पैसा तो ले रहे हैं। ट्रॉफी कराने का क्या फायदा फिर ये बताएं? कोई फायदा नहीं कराने का, क्या फायदा? आप ये बता दें, ये जो ट्रॉफीज के मैच होते हैं, कभी वसीम भाई को देखा है आपने बैठा हो, रमीज राजा को देखा है? अभी पिछले दिनों एक मैच हो रहा था ये कोई, और बाबर आजम पहुंच गया, आपको पता ग्राउंड में बाबर आजम देखने चला गया था मैच, हसन अली से मुलाकात, वो नया बच्चा मोहम्मद अली जो है उससे भी उसकी मुलाकात हुई है। बाबर आजम को तो हमने देखा है कि वो गया है देखने के लिए, लेकिन इनको जो ऊपर बोर्ड वाले हैं हफीज, ये रमीज राजा है, वसीम भाई है, ये नदीम खान है, इनको चाहिए जाएं ग्राउंडों में, डोमेस्टिक क्रिकेट हो रहा है, कैजन ट्रॉफी हो रही है, आपके ये बच्चों के अंडर 19 वाले कह रहे हैं, आप जाएं ऑन द ग्राउंड जाकर देखें कि क्या परफॉर्म हो रही है। ये बड़ी अहमियत का हामिल होता है कि ग्राउंड के अंदर जाकर देखें तो किस सिचुएशन पर उस लड़के ने 50 रन किए, सेंचुरी की अहमियत कम होती है, वो 50 रन अगर मुश्किल औकात में करके चला गया तो अहमियत उसकी ज्यादा होती है ना जावेद भाई। देखें बैटिंग आपको पता जो बैट्समैन है जाहिर उसके पास स्टाइल है तो बैटिंग कर रहा है ना, असल में सिर्फ बैटिंग नहीं देखी जाती, वहाँ एक एक चीज कैलकुलेट की जाती है कि ये सिचुएशन में इस लड़के ने कैसे बैटिंग की, आया कि फिनिश करने के टाइम पर इसने स्कोर किया है, आया कि जब रन्स की जरूरत थी इस लड़के ने रन्स करके दिए, विकेट भी नहीं गिर कर दी, ये चीजें सारी वहां जाकर देखी थी। बॉलर को भी इसी तरह का देखा जाता है कि अब विकेट्स की जरूरत है और इस बॉलर को आया और ये बॉलर जो है विकेट लेकर दे रहा है, अब जो है आपके पास रन्स कम है, रन्स रोकने की जरूरत है, वो बॉलर रन्स नहीं दे रहा आपको, रन्स बचा कर दे रहा है। इसी तरह बैट्समैन और बॉलर, इवन के आजकल फील्डिंग भी जो है ग्राउंड में जाकर देखी जाती है, वहां जज किया जाता है कि इस प्लेयर में क्या एबिलिटी है। देखिए ये खुदादाद सलाहियत है, ये नजर आती है ग्राउंड में जाकर, ये पेपर में या आपको कहीं से पर्ची आ जाए या फोन आ जाए उसमें नजर नहीं आती। आप जब तक ऑन ग्राउंड जाकर क्रिकेट लिए सिंसियर नहीं होंगे आपको अच्छे प्लेयर नहीं मिलेंगे। ये PSL से लेंगे जो ये लोकल बॉलर्स पे 50 मार देगा, 100 मार देगा, या एक लोकल बॉलर से 3-4 आउट कर देगा, आप वहीं से ले रहे हैं। जैसे भाई आपने थोड़ी देर पहले हसन अली के हवाले से बात की, तो जिस तरह बाबर आजम उनसे मिले हैं, तो हसन अली का मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? हसन अली का मेरे हिसाब से जिस तरीके से देखे ना, हमारे पीछे देखे बैक
बॉलर्स की, फास्ट बॉलर्स की लाइन लगी हुई है और हसन अली ने अपना पीक टाइम गुजार लिया है। अब हसन अली के बस की बात नहीं है, कम अज कम टेस्ट क्रिकेट हसन अली के बस की बात T20 समझते हैं कि अभी भी दमखम है, इतना दमखम है कि वो चार ओवर खेल सकता है। और देखे जिस तरह वसीम को कहता जी ऑलराउंडर ऑलराउंडर, उससे बड़े छक्के हसन अली भी मार लेता है, तो T20 खेल सकता है। बकाया टेस्ट क्रिकेट में और वनडे में उसका कोई मुस्तकबिल कम से कम मुझे तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लाइन लगी है पीछे पीछे लाइन लगी हुई। मिडिल ऑर्डर पे थोड़े बात कर लें, सलमान अली आगा टीम का हिस्सा है, सऊद शकील टीम का हिस्सा है, तो समझते हैं कि ये लोग जो हैं पाकिस्तान के लंबे मुस्तकिल तौर पर मिडिल ऑर्डर को संभालते हुए दिखाई देंगे। हाँ होना तो यही चाहिए और हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, नए बच्चे हैं परफॉर्म करें, मिडिल ऑर्डर जैसा हमारा एक खासा था, हमारा नाम था, उसी तरीके का ये परफॉर्म शुरू कर दें, हमारी ख्वाहिश है। लेकिन सऊद शकील आपको पता है उसको एक दो चांस मिले हैं, सलमान अली आगा ने परफॉर्म कर दिया है लास्ट टाइम, सलमान अली आगा ने परफॉर्म किया है, उसने वनडे में करके दे दिया, T20 में करके दे दिया, टेस्ट मैचेस में भी खिलाया उन्होंने, 50 स्कोर किए, 50 कर दिए, फिर एकदम देखे ना जब वो परफॉर्म करता है, तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म किया, फिर कहाँ गया आगा, सलमान अली आगा कहाँ गया, वर्ल्ड कप में आपको जरूरत थी ना एक मैच्योर बैट्समैन की, जरूरत थी, और वो इफ्तिखार थे ना सर, इफ्तिखार अहमद, बस रहने देना अब सर, उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है, शान मसूद ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, मिडिल ऑर्डर पर कर दिया। देखें हैदर अली, खुशदिल शाह, खुशदिल शाह को तो आपने चांस ही नहीं दिया ना वर्ल्ड कप में, आप चांस उसे देते तो फिर समझ में आता कि यार चले, वो यहाँ से पता चल गया था सबको, आपको पता था एक मैच हैदर अली एक खुशदिल शाह, ये यहीं से जब चले थे हम जब ही पता चल गया था, लेकिन खुशदिल शाह को तो हमने चांस ही नहीं दिया ना। हाँ ये भी है, ये उसके मकसद हक में जा रही है ये बात, लेकिन ये है कि ये जो नए लड़के आए ये परफॉर्म अगर कर देते हैं तो फिर ये तो T20 फॉर्मेट की रहेंगे, खासकर सऊद शकील इस पे जो है ना, अब मुझे भी नजर आ रहा है कि आगे चलकर इसने अच्छा प्लेयर बड़ा प्लेयर बनना है, क्योंकि उसके पास जो टाइमिंग और स्टाइल है वो काफी अरसे बाद नजर आया लेफ्ट हैंड बैट्समैन में। तो हारिस सोहेल भी एक हमारे पास हुआ करते थे, हारिस सोहेल था वो भी टाइम, वो टाइम शार्ट खेलते थे, वो भी देखे चले गए, वो तो उनकी एज फैक्टर था और फिटनेस नहीं थी, और ये जो बच्चे आ रहे हैं इनकी फिटनेस सुपर फिटनेस है। मैं चाहूंगा सऊद शकील स्कोर करे और पहले टेस्ट से उसको टेस्ट में बिल्कुल चांस दें, सारे टेस्ट खिलाएं। अच्छा सारे टेस्ट खिलाएं, फिर थोड़ी सी नौजवान विकेटकीपर बैटर्स है मोहम्मद हारिस के हवाले से भी थोड़ी बात कर लें, T20 स्क्वाड वर्ल्ड कप का थे, फिर हम देखते हैं कि उसे साइड लाइन कर दिया गया, क्या समझते हैं जिस तरह ग्रूम करने की बात हो रही है, अगर हारिस को भी आप लेकर ग्रूम करते रहते बजाय इसके कि आप जो है सरफराज अहमद को आपने टीम का हिस्सा बनाया। अब देखें हम इससे पहले यही तो दुखड़ा रो रहे थे कि ये जब टाइम आता ग्रूम करने का उसे घर भेज देते हैं, अब वो घर चला गया है, जो उसका टाइम था ग्रूम करने का उसका नाम चल रहा था, उसका बैट चल रहा था, वो टीम के साथ होता भले ना। अब देखिए सरफराज, देखिए सरफराज किस दिन अनफिट हुआ है या किस दिन परफॉर्म नहीं कर रहा, मुझे बताए सरफराज को क्यों निकाला था, आपकी समझ में नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो तो परफॉर्म कर रहा था जब निकाला, आपने लास्ट टाइम भी उसको चांस नहीं दिया, बेंच पे ही रहा है भाई, उसको उसमें बहुत क्रिकेट बाकी है, वो कोई फास्ट बॉलर नहीं है, बैट्समैन कीपर है, उसमें बहुत क्रिकेट बाकी है। और आपको पता पाकिस्तान में शुएब मलिक, हफीज, ये सरफराज, ये आपको पता ये जहनी तौर पे ना मजबूत क्रिकेटर हैं, ये जो है आजकल के आप लड़के देख रहे हैं इनमें वो मजबूती नहीं जो इनमें मजबूती है, अभी भी टाइम है सरफराज को खिलाएं, सरफराज को खिलाएं, सरफराज आपकी बैकबोन है टीम की। लेकिन पता नहीं, मैं नहीं समझ रहा कौन सी वजह है जो उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपने चांस नहीं दिया, बेंच पे बिठा के रखा, अभी भी आपको चाहिए कि ये जो सीरीज आ रही है इंग्लैंड की, इंग्लैंड की टीम को हल्की टीम ना लें, चारों शाने चित कर देती है इंग्लैंड, तो इसलिए मैं चाहूंगा सरफराज को चांस दे। हारिस को ठीक है आपने टेस्ट में नहीं खिलाया, लेकिन मैं चाहूंगा कि कम अज कम वो टीम के साथ तो रहे, वो ग्रूम होता रहे, दो दो कीपर सरफराज, ये शुएब मलिक, ये वो है जो अपने जूनियर्स को सिखाते हैं। बिल्कुल जूनियर को सिखाते हैं, थोड़ी सी बात है जो है जाहिद महमूद के हवाले से भी कर लें, यासर शाह के अनफिट होने के बाद जाहिद महमूद भी टीम का हिस्सा है, कैसा देख रहे हैं इनको? बस देख रहे हैं नाम आ गया, कोई और तो ये नहीं कि वो खेल रहा है, नाम आ जाता है, नाम आ जाता है। थोड़ी सी बात इस पर कतर में जारी आलमी कप फुटबॉल के हवाले से कर लें, बड़े अपसेट होते हुए नजर आ रहे हैं और हमने देखा कि बड़ी बड़ी टीमें भी इस टूर्नामेंट में अपने पहले मैचेस हारते हुए दिखाई दी, क्या कहेंगे इस वर्ल्ड कप के हवाले से?
शहजादे भाई, ये जो वर्ल्ड कप है ना, सबसे पहले जो मैं आपको इसका जो फर्क है ना वो वाजे कर दूं, ये जितनी भी यूरोप की टीमें हैं ये ठंडे मुल्कों की, जहां मौसम जो है ठंडा, ये बारिश, ये बर्फबारी में खेलने वाली टीम है। इसमें चंद एक है जहां गर्मी पड़ती है। अब इनको बिल्कुल डिफरेंट वेदर मिला है। लेकिन हर टीम तो 15 दिन 20 दिन पहले ही कतर में मौजूद थी जाद भाई। सर मौजूद रहने में और मैच खेलने में बहुत फर्क होता है। मौजूद तो आप 24 घंटे एसी में है ना, अब इवन के स्टेडियम्स में भी तमाशाइयों के लिए भी एसी चल रहे हैं। पहले वो शिकायत करते थे कि गर्मी है, अब तमाशाई जो स्टेडियम में बैठे हैं अब जो है अपर पहन रहे हैं कि इतने, मकसद कितर गवर्नमेंट ने इतने एसी लगा दिए, इतना ठंडा माहौल कर दिया है कि शाइकिंग जो है आप अपर लेने में मजबूर। और फिर मैचेस की बात करें, ये अपसेट का टूर्नामेंट है जिसके हिसाब मजबूत हो गए, जो मौसम को झेल लेगा, इस मौसम को झेल लेगा वो यहाँ फातिहा होगा। देखें आप छोटी टीमें भी देखें लड़ती हुई नजर आएंगी आपको। ब्राजील भी कल जीता है तो पहले हाफ में बराबर चल रहा था, आखिरी में कहीं जाकर 2 गोल हुए, और ये ईरान 6 गोल खा गई अमेरिका से। इसी तरह के देख लें, वो पुर्तगाल जीत गया, वो भी 3-2 से जीता है। स्विट्जरलैंड का और कैमरून का जो मैच हुआ है वो बिल्कुल बराबरी पे चल रहा था, स्विट्जरलैंड का कोई प्लेयर गोल नहीं कर पा रहा था और ना ही कैमरून का, लेकिन कैमरून का जो एक प्लेयर था वो स्विट्जरलैंड की तरफ से कहता हूं बोला, उसी ने जो है गोल किया है कैमरून के खिलाफ, तो स्विट्जरलैंड को फतह मिली है। और फिर उसका बड़ापन देखें, उसने गोल करने के बाद सेलिब्रेट नहीं किया, उसने सेलिब्रेट नहीं किया कि अपने ही इलाके में, यानी कि वो जो ओन गोल होता है ना, उसने ओन गोल कर दिया कैमरून का, कैमरून के खिलाफ। तो फुल कप, ये वर्ल्ड कप जो है जा रहा है बड़ी, और ये जो कतर गवर्नमेंट ने इंतजाम किए बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंतजाम किए, जैसे फीफा या पूरी दुनिया के जो मकसद मुखालफत में थे कतर में वर्ल्ड कप ना हो, उनको हैरान कर दिया कतर ने कि इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। और इस तरीके से मकसद एक तो होता है प्लेयर्स को सहूलतें देना, और जो शायकीन आए उनके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ कतर ने किया है, दुनिया अश कर रही है, और दुनिया अश कर रही है। इस वर्ल्ड कप के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल की दुनिया का, बड़ा मुल्क इटली शामिल नहीं है, क्या कहेंगे इस पे? देख ले वो क्वालिफाई राउंड कर नहीं आया, और देखिए इटली शामिल नहीं है, इटली भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, जर्मनी वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है पहला मैच हार गया, अर्जेंटाइन 2 दफा का वर्ल्ड चैंपियन पहला मैच हार गया, तो इटली के जो प्लेयर्स होंगे और ऑफिशियल होंगे वो सोच रहे हैं अच्छा ही है कि हम कितर नहीं गए खेलने, क्योंकि वहाँ जो है जिन, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ऊंट जो है रेगिस्तान का जानवर, रेगिस्तान में आप उसको जितना दौड़ाओगे दौड़ेगा, आप एक सलंग उसको रोड दे दो या संगे मरमर बिछा दो वो नहीं दौड़ेगा। अब सऊदीया के प्लेयर्स देख लें, उनमें एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो कोई गैर मुल्क की लीग्स खेला हो, वो सिवाय अपने मुल्क के क्लबों के कहीं भी एक भी प्लेयर उनकी टीम में आज शामिल नहीं है जिसने अर्जेंटीना को 1-2 से शिकस्त दी है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि सऊदीया ने जिस तरह अपसेट किया है वो बहुत बड़ी बात है कि इस टूर्नामेंट के अंदर पहले ही अपसेट बड़ा हुआ। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें तो बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है, जिस तरह आपने खुद पेशेंट गोई की, ये थोड़ा सा जो मुख्तलिफ वेदर है यहाँ पर कतर में, यहाँ पर ठंडा मौसम कम है गर्मी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर तमाशाइयों के लिए भी जो कतर है हुकूमत ने बड़े ज़बरदस्त इंतजाम किए, क्योंकि ये चीज़ मेरा ख्याल में 10 से 12 साल पहले डिसाइड हो जाती है कि फ़लाँ जगह पर इवेंट होना है फ़लाँ मुल्क के अंदर, तो ये एक अच्छा साइन है इस खासकर फुटबॉल के लिए। लेकिन अगर क्रिकेट में भी ऐसी जदीद सहूलतें आ जाएं तो कितना फर्क होगा क्रिकेट के? क्रिकेट तो आपको पता है अभी भी बहुत अच्छा ग्राउंड और बहुत सी चीज़ें हैं, और जिस तरीके से फुटबॉल पर इतना उन्होंने खर्चा किया है कतर ने, अभी जैसे ये ओलंपिक में सुना है कि क्रिकेट को भी शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल शामिल हो गया है, क्रिकेट शामिल हो गया है ओलंपिक्स में, जिस तरीके से शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है आपको पता ओलंपिक, उसी तरीके से जिस तरह ये वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, इस तरीके की सहूलियात, इस तरीके की मकसद जो है इंटरटेन करना, और मुख्तलिफ तरीक़ों से स्टेडियम्स की बहाली का प्रोग्राम बनाकर, और ये अगर क्रिकेट का इवेंट कराएंगे तो ओलंपिक्स को कहता हूँ 4 चांद लग जाएंगे, ओलंपिक हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा।
बिल्कुल यादगार बन जाएगा। लेकिन हम देखें तो दूसरी तरफ थोड़ी सी अंडर 19 की थोड़ी देर पहले बात हो रही थी क्रिकेटर्स की, तो बांग्लादेश की अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी एक अरसे के बाद। बांग्लादेश की अंडर 19 टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी, क्या आपने जो देखा कि इस नौजवान बांग्लादेशी अंडर 19 प्लेयर्स ने जो पाकिस्तानी यंग प्लेयर्स थे उनको शिकस्त दी, तो फ़र्क नज़र आ रहा है आपको कि बांग्लादेशी टीम अब थोड़ा सा ऊपर लेवल पर काम करती हुई दिखाई दे रही है? शहजादे भाई देख, फ़र्क साफ नज़र आ रहा है। हम जो ये पहले बात कर रहे थे ग्रूम करना और मैनेज करना, लड़कों को किस तरीके से ग्रूम करना, उनको मैनेज करना, उनका हर तरीके से ख्याल रखना, ये देखिए बांग्लादेश बोर्ड जो है बहुत सेंसियर है इस मसले में, वो थ्रू प्रॉपर चैनल लड़कों को लेकर चल रहा है। हमने ये अभी जो हमने लीग करवाई थी, हमने इसमें से लड़के लिए हैं, दो इसके ले लिए, दो इसके ले लिए, उसने एक मैच में 100 कर दिया, उसको ले लिया, इसने विकटें ले लिए, साद बेग था, वो बासित अली था, ये तीन चार लड़के नज़र आते थे कि यार ये आने चाहिए ऊपर। आपने टीम बना के दे दी और फिर पहला पहला एक्सपीरियंस था इनका किसी गैर मुल्की टीम से खेलने का, और वो इनसे मजबूत थे बच्चे बांग्लादेश के, और नो डाउट उन्होंने अपना गेम पेश किया। आपको पता है उन्होंने कितनी मेहनत से सीरीज जीती, अतः कि होम ग्राउंड जो आपको एडवांटेज था वो उन्होंने उठाया। हमारा और उनका सेम है तकरीबन, सिर्फ वहाँ बारिशें बहुत होती हैं, हमारे यहाँ बारिशें बहुत नहीं होती, वो भी अब होने लग पड़ी हैं। तो ये है कि असल में उनको ये इसका क्रेडिट जाता है, बांग्लादेश के बच्चों ने बहुत मेहनत की और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, उन्होंने हमसे अच्छा खेला, उन्होंने हमसे बहुत अच्छा खेला। बांग्लादेशी अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी सीरीज पे। जावेद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।